इतना ही। तो जैसे ही माता यशोदा की बंधन के शब्द याद आए तो उनको वो पूरी लीला जो भगवान की लीला है कि भगवान को किस तरीके से बांधा गया वो पूरी लीला का स्मरण हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ बताया है कि किस तरीके से अपन को भजन करना चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। और ये सब कब होगा? जब अपन बार 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 सुनेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए सब दामोदर अष्टक तो मैंने पढ़ लिया है, मुझे तो इसका मीनिंग पता है, अर्थ पता है, बस हो गया काम। नहीं, जब अपन बार बार सुनेंगे बार बार सुनेंगे। जैसे इस जगत में भी देखें आप, मैक्सिमम पता नहीं देखते नहीं देखते हैं, टीवी देखते होंगे या वैसे देखते होंगे, तो टीवी पर एक एड बार बार आता रहता है, खूब सामान बिक रहा है, जैसे कोलगेट है या कोई भी है, अपन लेक्लोजअप है, इसका खूब सामान बिक भी रहा है, लेकिन फिर भी बार बार ऐड आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? कि जब कोई प्रचार, कोई एडवर्टाइजमेंट बार बार आता है तो जब कोई इंसान उसको देख रहा है तो उसके माइंड में वो चीज़ चली जाती है कि हाँ, जैसे ही मार्केट में जाएगा ये चीज़ का प्रचार मैंने देखा है। उसी तरीके से जब यहाँ पर अपन देखें कि वो चीज़ें हैं जो भौतिक चीज़ें हैं वो अपने माइंड में वो घर कर जाती हैं। जैसे अपन जाते हैं आजकल एडवर्टाइजमेंट पोल्स पे, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक पोल पे लगा दिया बस काम चल गया, एक साथ 20-25 पोलों पे वो दिखेगा। उसका सिर्फ क्या है कि बार बार वो अपने माइंड में वो चीज़ चली जाती है। उसी तरीके से ये तो बहुत भौतिक चीज़ें हैं, लेकिन जब वो भौतिक चीज़ें ऐसे अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर घर कर सकती हैं, तो जो भगवान की लीलाएं हैं जब तक उनको बार बार नहीं सुनेंगे, बार बार स्मरण नहीं करेंगे, तब तक वो हमें स्मरण नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी जो सत्कृत मुनि हैं वो स्मरण कर रहे हैं भगवान की कूकल वंदन लीला को। कूकल वंदन लीला करते ही भगवान को उन्होंने स्मरण किया है कि उस समय भगवान की स्थिति क्या है। भगवान यशोदा मैया की तरफ देख रहे हैं और छड़ी की तरफ देख रहे हैं, उनके आंखों से जो आंसू आ रहे हैं उससे काजल नीचे बह गया है। और ये जो रूप है ये इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप है, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो आपका बाल रूप है ये हमेशा मेरे हृदय में रहे, मैं आपसे कोई स्वर्ग की या वैकुंठ धाम की भी इच्छा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो ये जो संसार है ये क्या है, दुखालय है, इस दुख संसार में हूँ, तो उसमें सिर्फ आप ही मुझे निकाल सकते हैं। जब उसका स्मरण किया, उस रूप का स्मरण किया, उसके बाद फिर उन्होंने जो गोकुलवासी उस चीज़ का जो आनंद ले रहे हैं उसका भी स्मरण किया कि उस लीला को कौन कौन आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी गोपियाँ हैं, उनके मित्र हैं, वो सब देख रहे हैं और भगवान की जो ये लीला हो रही है उनका वो भी आनंद ले रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर बताया कि भगवान के उसमें कि जब भगवान को बांध दिया तो भगवान के जो बाल हैं वो बहुत घुंघराले हैं, बहुत सुंदर बाल हैं, और वो उनके चेहरे पर आ गए हैं, उससे उनके जो ये गाल हैं वो छुप गए हैं, और उनके होंठ हैं वो एक पके हुए बिंब फल की तरीके से हैं। उसका स्मरण कर रहे हैं कि भगवान के जो होंठ हैं वो इतने सुंदर हैं कि उनका यशोदा मैया और जो गोपियां हैं, खास करके राधा रानी हैं, वो उनका चुम्बन करती हैं। तो उन्होंने भी उस चीज़ का स्मरण किया है कि भगवान की वो जो लीला है मैं भी भगवान की उनका चुम्बन, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि जब अपन कोई चीज़ स्मरण कर रहे हैं तो मतलब इसका मतलब है कि वो हम उसको चाहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर सत्कृत मुनि कह रहे हैं। अब ये स्मरण करने के बाद फिर ये बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हो सकती हैं संकीर्तन से। किससे? संकीर्तन से। तो यहाँ भगवान का कीर्तन किया है उन्होंने, नमो देव दामो दरानंद विष्णु, बार बार भगवान का नमो, नमस्कार, देव दामोदर अनंत विष्णु, ये जो बार बार नाम ले रहे हैं, मतलब इससे कह रहे हैं कि आप, क्योंकि वो जो आचार्य बताते हैं कि जब भगवान का कीर्तन किया जाएगा तो ये चीज़ें संभव हैं, और उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ संभव तभी है जब ये जो भजन है या ये जो कीर्तन है या ये जो कथा है ये किसी के अनुगत में की जाएंगी, जो अपने आचार हैं, जो चार संप्रदाय हैं उनके किसी के अनुगत में यदि अपन करें तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज यदि कोई सोचे कि नहीं मैं पढ़ लूँगा, जैसे जो ज्ञानी होते हैं आज के टाइम पर, जो स्कॉलर्स होते हैं कि भाई
बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पढ़ लिए हैं और फिर उसके बाद बुक्स पढ़े, बहुत बड़ा ज्ञान होगा। आज भी आप देखेंगे तो ऐसे बहुत वो हैं जिनको पूरी भगवद गीता रट ली है, भागवतम के बहुत सारे श्लोक याद हैं, लेकिन याद तो हैं, बुद्धि इतनी तो है, लेकिन वो भगवान को नहीं समझ पाते। स्वामी महाराज जी ने जब भगवद गीता लिखी है तो उसमें बताया है कि जब वो भगवद गीता लिख रहे थे तो अमेरिका में एक माता जी ने, एक स्त्री ने उनसे पूछा था कि स्वामी जी आप जो ये भगवद गीता का ट्रांसलेशन कर रहे हो, पहले से ही मार्केट में करीब 700 तरीके की भगवद गीता हैं, भगवद गीता मतलब श्लोक तो वही हैं लेकिन उनकी जो टीका टिप्पणी है वो 700 टाइप्स की हैं, तो आप नई क्यों लिख रहे हो? तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि मैं ये जो भगवद गीता लिख रहा हूँ ये एज इट इज है, यथारूप है, क्योंकि ये परंपरा से है, मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है उनको उनके गुरु ने सिखाया है, ये परंपरा भगवान तक जा रही है। आज के टाइम पे जो भगवद गीताएं लिखी हुई हैं वो लोग अपनी बुद्धि से लिख रहे हैं, उन्होंने भगवान को जो भगवद गीता है उसका जो मूल क्या है, भगवान श्री कृष्ण, उनको साइड में रख दिया है और अपने अकॉर्डिंग उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो वो भगवद गीता इसलिए किसी काम की नहीं है। और ये उन्होंने सिद्ध भी किया है कि इस भगवद गीता को देख करके लाखों लाखों भक्त हो गए, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने स्वामी महाराज जी की भगवद गीता पढ़ करके भक्ति की है कि नहीं इस संसार में क्या है। एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक माता जी हैं जिन्होंने रिसर्च किया था, और वो रिसर्च किया था कि भगवान नहीं है, मतलब भगवान ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इस पर रिसर्च किया था। और रिसर्च करने के बाद फिर उनका मैं पढ़ रहा था कहीं पर या किसी लेक्चर में सुना था कि रिसर्च करने के बाद फिर लास्ट में उनका सबमिशन हो गया पीएचडी का। पीएचडी का सबमिशन होने के बाद उन्होंने सोचा, 4 महीने का टाइम था उनको करीब कि वाइवा होगा या ऐसे जो प्रेजेंटेशन होते हैं, तो उस समय वो शायद भारत में आई हैं, तो यहाँ करके जैसे फॉरनर्स होते हैं घूमने आते हैं, तो उनको यहाँ पर किसी ने वो भगवद गीता दे दी जो यथारूप जो स्वामी महाराज जी ने लिखी है, उसको पढ़ने लगे, कि जो स्कॉलर्स होते हैं पढ़ने का शौक भी होता है पढ़ने लगे। तो वो बताते हैं कि जब उन्होंने उस भगवद गीता को पढ़ा तो उनकी जो थीसिस थी उनको उन्होंने वहीं फाड़ दिया कि नहीं मैंने तो ये कचरा बनाया है, एक्चुअल में भगवान है। तो अब ये कब होगा, जब कोई आचार कोई जो परंपरा में है एंड जो गुरु तत्व है उनके जब अनगत्व में, अपन भक्तों के अनगत्व में जब अपन कोई भी काम करेंगे, पढ़ेंगे, कथा सुनेंगे या कीर्तन करेंगे, तो ही हमें ये सब चीज़ें पता चलेंगी, अदरवाइज पता नहीं चल सकती। तो यहाँ पर सतव्रत मुनि दीनहीन होकर के ये कह रहे हैं कि मुझे भी वो जो आपकी रूप है उसकी मुझे, और वो आप कर सकते हो। देखो अब जो 7वां श्लोक है इसमें अपन ने कल से उसको पढ़ा था, वो कह रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते, मेरी तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है भाई, मेरे तो अंदर गंदगी है, मेरी तो ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, पर आप कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो कि आपको जब माता यशोदा ने बांध रखा था तो उस समय भी आपने, आपके वहां पर 2 पेड़ थे, किसके पेड़ थे वो? वो तो नल कुबेर और मणिगिरी थे, यमला अर्जुन के पेड़ थे। और वो बताते हैं जैसे हम वहाँ उस दिन अभी पहले वहाँ गए थे कि वो बहुत बड़े पेड़ थे, बहुत बड़े पेड़ थे वो। तो उन पेड़ों की तरफ देखा, माता यशोदा ने बांध के अपने काम में लग गई, बच्चे खेल रहे थे, तो भगवान भी धीरे धीरे क्या रोना बंद कर दिया। भाई स्टार्टिंग में तो बच्चा रोता है लेकिन बंधा हुआ है कुछ कर नहीं सकता, तो धीरे धीरे क्या करेगा, उसका रोना बंद हो जाएगा। भगवान ने खूब नाटक किए कि माता शायद खोल दे और माता अपने काम में लग गई। तो जैसे ही फिर उनको एकदम ध्यान आया अपने एक भक्त का, कि नारद मुनि का, कि नारद मुनि ने ये जो 2 वृक्ष हैं यमलार्जुन वृक्ष हैं इनको श्राप दिया है और इनका अब मुझे उद्धार करना चाहिए। तो अब ये जो उद्धार किया है, यहाँ सद्वृत मुनि बता रहे हैं उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, उनका उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन जो भक्त है और भगवान है उसके लिए क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। यदि कोई भगवान चाहे और भक्त चाहे तो वो किसी को भी
बिना क्वालिफिकेशन के भी मुक्त कर सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब चैतन्य भागवत में पढ़ रहे थे कि उन्होंने, देखिए वैसे तो बताया है कि जो मुक्ति है ये उस मनुष्य शरीर के लिए बताई गई है कि मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिससे जीव मुक्त हो सकता है, बाकी की 84 लाख योगियाँ ऐसी जिनसे मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक कुत्ते के बच्चे को, एक पपी होता है, कुत्ता होता है, उसको भी मुक्त किया है उन्होंने, और वो उसको जाओ वैकुंठ भेज दिया उसको। तो जो भगवान हैं या फिर भगवान के जो ऐसे भक्त हैं उनके लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, मेरे अंदर तो ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने जब आप बंधे हुए थे तो भी आपने नल कुबेर और मणिग्रीव नामक जो दो वृक्ष थे वहाँ पर उनको भी क्या किया है, उनकी वृक्ष योनि से उद्धार करके परम प्रयोजन रूप अपनी शक्ति भी प्रदान की थी। उनका जो प्रयोजन था वो जिस उसमें थे उसमें भेजा है। अब जैसे ये बात हो रही थी, ये तो उन्होंने बताया है सतव्रत मुनि ने, जब कथा में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जब भगवान बंधे हुए थे तो उन्होंने उनका उद्धार कर दिया, इतने में जो परिचित महाराज हैं, परिचित महाराज ने प्रश्न पूछा, वो क्या कहते हैं कि हे महान एवं शक्तिशाली संत, उनको कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, नारद मुनि द्वारा नलकुवर तथा मणिग्रीव को शाप दिए जाने का क्या कारण था, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ये जो दोनों नलकुबेर और मणिग्रीव थे, इन दोनों को शिवजी का, कल बताया था मैंने क्या थे, वो शिवजी के पार्षद का भी मिला हुआ था, ये जो कैलाश था वहां पर वो विचरण कर सकते थे, और उस दिन भी ऐसा हुआ था, वहाँ विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते बहुत सारी स्त्रियों के साथ में वहाँ पर एक नदी थी, उस नदी में स्नान कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको, एक तो कुबेर के पुत्र थे, क्योंकि जो देवता हैं वो सभी भक्त हैं, जो देवताओं की जो पोस्ट मिलती है वो ऐसे नहीं है, वो भी भगवान के, भगवान कृष्ण के भक्त हैं सभी। तो उनको ऐसा क्या हुआ कि उनको श्राप मिला, और ऐसा उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया कि देवर्षि नारद तक उन पर क्रुद्ध हो उठे, कृपया मुझे कह सुनाए। अब ऐसे यहाँ पर देखें कि देवर्षि नारद उन पर गुस्सा हुए हैं, क्रुद्ध हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो संत होते हैं यदि वो किसी पर क्रुद्ध भी हो रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं, मतलब कुछ गाली भी दे रहे हैं, तो भी वो सामने वाले का उद्धार ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि ने उनका उद्धार किया है। अब नलकुबेर मणिग्रीव के साथ क्या हुआ था, तो ये इसका थोड़ा सा आज अपन यहाँ चर्चा करेंगे कि ये कौन थे। इसमें बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि चूंकि ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, और कुबेर कौन है, देवताओं के खजांची हैं, मतलब सबसे बड़े धनी हैं, वैसे अपन देखें तो देवलोक इसमें भी, तो जो देवताओं के खजांची हैं उनके पुत्र थे, और शिवजी के पार्षद की भी पदवी मिली हुई थी। तो उस समय इन दोनों को एक अहंकार आ गया, क्या होता है कि जो पैसा होता है, या प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं बाद में कि जो पैसा होता है और पोस्ट होती है, ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे बहुत जल्दी अहंकार आता है, बहुत जल्दी, ऐसा बहुत कम मिलेगा कि किसी को पोस्ट मिली और वो फिर भी दीनहीन है। इवन बड़े बड़े बताया कि जो आचार होते हैं उनका भी डाउनफॉल हो जाता है जैसी पोस्ट और वो मिलती है, मतलब इवन जब बताते हैं कि कुछ संत ऐसे भी हैं कि उन्होंने बाद में जो दूसरे उनके जो शिष्य थे उनको इस चीज़ के लिए भी मना किया है कि भैया आपको बहुत बड़े बड़े मंदिर और ऐसे नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि जब बहुत बड़े मंदिर बनेंगे तो वहाँ बहुत बड़ा मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा तो आप उसमें उलझ जाओगे, बहुत बड़ा मंदिर होगा तो बहुत सारे लोग आपका सम्मान भी करेंगे, पैसा भी आएगा, तो फिर वहाँ पर डाउनफॉल हो सकता है, आपकी भक्ति छूट सकती है। तो ये इस संसार में ही नहीं है, ये देवलोक में भी ऐसा है, देवताओं की बहुत सारी ऐसी कथाएं आई हैं कि जिसमें उन्होंने उस चीज को बहुत अहंकार हुआ है। जैसे अपन कहें कि इंद्र को भी एक बार भगवान पर भी उनकी परीक्षा लेने लग गया कि भैया मैं मेरी पूजा क्यों नहीं कर रही, दूसरी बात ब्रह्मा जी पर परीक्षा लेने चले गए। जब ऐसे बड़े बड़े देवता इस चीज से नहीं वंचित हो सकते तो हम जैसे जीवों का तो कहना है क्या। तो यहाँ पर
बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि वो दोनों को उनको बहुत बड़ा गर्व हो गया कि भाई एक तो हम पैसे वाले के हैं और दूसरा शिव जी के पार्षद भी हैं। तो एक दिन वो दोनों जो शिवलोक है उसमें एक मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी पे, ये मंदाकिनी नदी कैलाश पर्वत के सटे हुए बाग में है, मतलब कैलाश पर्वत का एक बाग है और उससे सटी हुई है मंदाकिनी नदी। वहाँ पर वो विचरण कर सकते थे, हर किसी को वहाँ पर ऐसे विचरण घूमने की वो नहीं थी। भागवत में एक जगह ये भी आया है, तो एक जगह तो ऐसी है कि जहाँ शिव जी के उसमें कोई प्रवेश करता था तो वहाँ पुरुष कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता था, स्त्री बन जाते थे। तो एक उसमें सूर्यवंश में सुद्युम्न नाम के राजा हुए थे, तो वो वहाँ पर चले गए थे। तो वहाँ जैसे ही वो गए ना, वो थे सेना के साथ में थे, घोड़े भी थे, सब स्त्री हो गए थे वहाँ। तो ऐसा वहाँ पर एक शिव जी का एक ऐसे भी जगह है, लेकिन इनको वहाँ विचरण करने की छूट थी। तो उस दिन ये जनरली जब इतने अहंकार में हो गए कि भाई हम सब कुछ है, तो ये क्या करते हैं, वारुणी नाम की मदरा भी पिया करते थे। अब ये अब कहेंगे सब देवता भी मदरा पीते हैं, ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ की जो मदरा है वो मदरा है वो सेम है, नहीं, ये तो मदरा है, ये तो क्या है, ये तो सड़ी हुई चीजें हैं। वो जो नदी है वो जो फल होते हैं, वारुणी और उसकी जो मदरा की बात कर रहे हैं, जो फल होते हैं उनका जो जूस होता है वो होता है, लेकिन उसमें भी एक तरीके से देखें जो मद में आ जाता है वो उसका जो देवता है वो भी मदरा पीते हैं, लेकिन वो मदरा ये मदरा नहीं है, वो मदरा देवलोक की जो मदरा है वो अलग है, लेकिन उसको पीने के बाद क्या है, वो भी वैसे भी वो धन और उसमें होते हैं। तो जब ये पिए वारुणी नाम की जब मदरा पिया करते थे, तो एक दिन ये दोनों बहुत सारी स्त्रियों को लेकर के, जो देवलोक की कुछ स्त्रियाँ थी उनको लेकर के उस मंदाकिनी नदी में स्नान करने आ गए। स्नान करने लगे। अब एक तो अहंकार था, मद था, शिवजी के भी पार्षद हैं कोई देख नहीं रहा है, तो ये दोनों स्त्रियों के साथ में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। तो यहाँ पर यह भी बताया है भागवतम में कि जो जीव है, इवन जीव को कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कोई उसको देख नहीं रहा है। अब जब ये स्नान कर रहे थे तो वहाँ पर इनके साथ में बहुत सारी स्त्रियाँ भी थीं, तो वहाँ से उस समय कहते हैं कि यहाँ भागवत में कहा गया है कि भगवान की उन पर ऐसी कृपा हुई। देखो यहाँ पर उस शब्द को ही पढ़ते हैं अपन। हाँ, ये बताया है कि जो दोनों वहां पर उन दोनों बालकों के सौभाग्य थे, यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, उन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार देवर्षि नारद संयोगवश वहां प्रकट हो गए। देखो सौभाग्य बताया है, ये सेम भागवतम में स्टार्टिंग में भी बताया है कि जब देवर्षि नारद स्वयं किसको बताते हैं, व्यास जी को बताते हैं, व्यास जी ने कहा कि भाई मैंने बहुत कुछ लिख दिया है, महाभारत लिख दी, वेद लिख लिए, पुराण लिख लिए, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। तो उस समय देवर्षि नारद भी अपनी पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं। तो पूर्व जन्म की कथा में उन्होंने एक जगह ये भी कहा है कि मैं छोटा सा बालक था और मेरा मन भगवान में लग गया, तो भगवान ने मेरे पे एक अहेतु की कृपा की। वो कृपा क्या की कि जो मेरा एक आसक्ति का एक ही साधन बचा था, मेरी माता, और उस माता को भगवान ने सर्प के थ्रू डसवा दिया। मतलब एक तो कहें भाई उसकी माँ, उनकी माता चली गई, लेकिन वहां भी नारद मुनि कह रहे हैं अहेतु की कृपा थी वो भगवान की, क्योंकि भगवान की कृपा कैसे हुई कि अब उनकी आसक्ति की कोई जगह ही चीज ही नहीं रही। उसी तरीके से यहाँ पर भी अपन देखें तो कह रहे हैं कि उनके सौभाग्य से बालकों, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उनके सौभाग्य, क्यों कि जब कोई जीव पाप कर रहा है और उस पाप को करता रहे तो उस पाप को भोगने के लिए भी उसको फिर नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे पहले कहते ना, जो राजा होते थे जब कोई पाप करता था उसको मृत्यु दंड वो दे सकते हैं, वो मृत्यु दंड ऐसे नहीं दिया जा रहा, उसमें राजा को तो ये अधिकार है, राजा मतलब क्या है, भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, तो वो मृत्यु दंड दे सकता है। लेकिन जो वो मृत्यु दंड दिया जाता था वो उस इंसान के लिए जिसने किसी को मारा है या गलत काम किया है उसके अच्छाई के लिए दिया जाता था। वो आगे एक तो पाप नहीं करेगा और पाप करेगा तो जो पाप किया है उसकी भी उसको सजा मिल जाएगी, अदरवाइज यदि और ज्यादा दिन यहाँ रहेगा तो क्या होगा,
और ज्यादा पाप करेगा तो उसको बहुत ज्यादा उसके लिए जन्मों में जाना। इवन इसमें देखें भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम इन सबको मारो, यदि तुम नहीं मारोगे तो ये जो आता ताई है और ज्यादा पाप करेंगे, और ज्यादा तो इनका ही उद्धार कर रहे हो आप मार करके। तो सही वो चीज है कि यहाँ कह रहे हैं कि उनके सौभाग्य से वहां प्रकट हो गए, और उन्होंने जब वो वहाँ नारद मुनि जब वहां पर आए तो वो दोनों एकदम नशे में थे, और वो कहते हैं कि उनकी आंखें घूम रही थी और न अपना स्नान कर रहे थे, और इस तरीके से स्नान कर रहे थे जैसे कोई हाथी बहुत सारी हथनियों के साथ में पानी में कीड़ा कर रहा हो। ये सब देख करके देखा जब नारद मुनि वहां पर आ रहे हैं तो जो स्त्रियां थी उन्होंने नारद को देखते ही उनको शर्म आई और वो पानी में से निकल के उन्होंने कपड़े पहन लिए, लेकिन ये नल कुबेर और मणिगिरी इन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। इवन कहते हैं कि वो ऐसे बोलने लगे अरे पता नहीं इस संत साधु संत को कोई काम नहीं है, इनको यहाँ क्या करना था, यहाँ क्यों आ गए। इस तरीके की जब वो बातें करने लगे और उन्होंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो नारद मुनि और नजदीक आए और नजदीक आए तो देवर्षि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन्हें विशेष शाप देना चाहा, उन्होंने उनको शाप देना चाहा, और शाप देना किस तरीके से बोला कि जिस तरीके से तुम नग्न अवस्था में यहाँ घूम रहे हो ये जो अवस्था है ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी अवस्था है जो पेड़ पौधे होते हैं, तो अब मैं ये आपको श्राप देता हूँ कि अब पेड़ की योनि में आप चले जाओ और हमेशा नग्न ही खड़े रहो, कोई कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं है। जब ऐसा हुआ तो जब इन दोनों को श्राप लगा तो ये पेड़ की योनि की तरफ जैसे परिवर्तित होने लगे तो उन दोनों ने जो नारद मुनि थे उनसे क्षमा याचना की। क्षमा याचना की तो जो ऋषि होते हैं जो भक्त होते हैं जो भगवान के ऐसे भक्त होते हैं उनको ऐसा नहीं कि गुस्से में और उसमें श्राप दे रहे हैं, वो तो उनका उद्धार ही करना है। फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ तुमको पेड़ की योनि तो वृक्ष की योनि तो मिलेगी लेकिन ये भी तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम जाकर के जहाँ द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब आएंगे तो उनके जो आंगन है माता यशोदा का आंगन में आप दोनों वहाँ रहेंगे और भगवान कृष्ण आपका उस योनि से उद्धार करेंगे। तो ये जो कृपा है ये जो भगवान के थ्रू नारद मुनि ने जो उन पर कृपा की थी कि जो एक भक्त होते हैं वो कितना भी पापी क्यों नहीं हो तो भी वो उन पर कृपा करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है उसको क्या बोला गया है, महावदान न्याय। एक तो होता है वदान न्याय और एक होता है महावदान न्याय। चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी वहां पर जब देखें नवद्वीप में उसमें जगाई मदाई जैसे पापियों का भी उद्धार कर दिया, उनको भी भक्त बना दिया, उनको ऐसा नहीं है कि उन्हें वैसे दंड दिया हो, उनको भी भक्त बनाया है। तो जो जब भगवान स्वयं भक्त के रूप में आ रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ ये सिखाया है कि जो भक्त हैं उनको किस तरीके से पापियों का उद्धार करना चाहिए, वो यहाँ नारद मुनि कर रहे हैं। नारद मुनि ने जब उनको बोला तो ये भी उन पर एक हेतु की कृपा थी। इस तरीके से जब ये दोनों इस वृक्ष योनि में चले गए तो इनको श्राप किसने दिया है, नारद मुनि ने। और जब भगवान को याद आया कि ये जो वृक्ष हैं यमुना अर्जुन ये जो मेरे भक्त हैं उन्होंने इनसे प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारा उद्धार कौन करेंगे, मैं करूंगा कृष्ण करेंगे, ये सोच रहे हैं तो अब इनका भी उद्धार कर देना चाहिए। लेकिन उनका उद्धार करने के लिए भगवान तो खुद बंधे हुए हैं, तो भी भगवान में एक ऐसी ये क्वालिफिकेशन है ये क्वालिटी है कि वो बंधे हुए को भी दूसरे का उद्धार कर सकते हैं। कहते हैं जो बड़ा आदमी वो बड़ी सोचेगा हमेशा चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो नारद भगवान कृष्ण हैं जब उन्होंने उनकी तरफ देखा तो वो धीरे धीरे जो उखल से बंधे हुए थे उसको खींचने लगे उखल को, और खींचते खींचते वो दोनों वृक्ष जब ऐसे ऐसे खड़े हुए थे उनके बीच में से भगवान निकल, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे थे वो भी देख रहे थे दूसरे उनके साथी से सब देख रहे थे। अब जब उसको खींचने लगे तो जो उखल था उखल क्या है वो गिर गया। अब भगवान खींच रहे हैं, भगवान खींचते खींचते वो उखल उसमें फंस गया, भगवान तो निकल गए उसमें से दोनों पेड़ों के बीच में से लेकिन वो उखल उसमें फंस गया। जैसे ही उखल उसमें फंसा तो भगवान ने और थोड़ा सा खींचा और वो दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे, और उन दोनों पेड़ों के कहते हैं इतनी तेज आवाज हुई कि पूरे ब्रज में एकदम हाहाकार मच गया कि ऐसा क्या हुआ।
ये देख करके, अब वो आगे की कथा तो बाद में कही है सुखदेव गोस्वामी ने, जैसे ही वो पेड़ गिरे तो उसमें से नल कुबेर और मणि गिरी दोनों अपनी योनि में आकर के उनसे प्रार्थना की, भगवान कृष्ण से उनकी स्तुति की वहाँ पर कि ये हमारा हमारे ऊपर कृपा थी नारद मुनि की और हम आपके दर्शन कर पाए। तो फिर भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान की उन्होंने परिक्रमा की है और परिक्रमा करने के बाद भगवान ने कहा कि जाओ तुम अपने किसमें जो आपका प्रयोजन है उस रूप में जाओ। अब ये सब चीज़ें जब जैसे ही पेड़ गिरा ये सब चीज़ें तो बच्चे देख रहे थे, वहाँ पर जो उनके मित्र थे वो देख रहे थे, तो फिर एकदम वहाँ पर भीड़ आ गई, बहुत सारे जो ब्रजवासी थे वो सभी आ गए और उसी टाइम पर नंद बाबा भी वहाँ पर आ गए। नंद बाबा ने देखा, यशोदा मैया को पता चला, जैसे ही यशोदा मैया आई तो यशोदा मैया वहाँ पर बेहोश हो गई। नंद बाबा ने आकर के बोला क्या हुआ क्या हुआ कैसे हुआ, इन पेड़ों को किसने गिरा दिया, कौन गिरा सकता है, क्या है कैसे है, ये सब बोलने लगे। लेकिन भगवान को कुछ नहीं हुआ, वो दोनों पेड़ गिर गए, भगवान वहीं पर खड़े अभी भी बंधे हुए हैं, उनको किसी ने खोला नहीं है, खुले नहीं है वो। माता यशोदा भी बेहोश हो गई, लेकिन सब बोलने लगे कि क्या हुआ कैसे क्या है, सब मचाने लगे। तो और ब्रजवासी भी आ गए वहाँ पर, बड़े जो नंद बाबा के जो साथी थे भाई थे वो भी आ गए, सबने पूछा। तो जो बच्चे थे वो बोलने लगे कि पेड़ों को इसने गिराया है, बोलने लगे वो, तो भाई उन्होंने तो देखा था कि किसी ने नहीं गिराया, ये तो इसने गिराया। तो कहते हैं ना कि भाई वो जो वो ब्रजवासी थे वो उनको डांटने लगे बच्चे को, अरे चुप, ऐसा कोई बच्चा गिरा देगा, ये छोटा सा बच्चा ऐसा कर सकता है, नहीं नहीं बच्चे तो सही कथा कह रहे हैं कि ये गिराए हैं। और ये भी कहा है उन्होंने बच्चों ने कि जब ये पेड़ गिरे तो इसमें से दो देवता भी निकले थे, हमने देखा है, और वो इसकी परिक्रमा भी कर रहे थे पर कोई उनकी नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। कहते ना कभी कभी जो भगवान की कथा होती है उसमें छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए, वो तो भगवान की कथा कह रहे हैं कि हाँ इसमें ऐसा हुआ है, उन्होंने इनकी परिक्रमा की है, प्रदक्षिणा की है, सब कुछ किया है, पर वो फिर भी नहीं सुन रहे हैं। और नंद बाबा ने आकर के वो किसने बांधा क्या हुआ क्या है, और फिर नंद बाबा ने आकर के भगवान को बंधन से मुक्त किया है। तो ये जो सतव्रत मुनि है वो कह रहे हैं कि आप जब बंधे हुए थे उस समय भी आपने किन पर कृपा की, नल कुबेर और मणिगिरी पर कृपा की है। तो जब आप उन पर कृपा कर सकते हो तो मेरे में तो इतनी बुद्धि नहीं है, इतना मेरा तो शुद्धिकरण नहीं है, लेकिन हाँ ये आप ऐसे हो, आप मुझे वो अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरा एक आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहता, मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कोई आपका धाम नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ कि आप वो जो छवि है मेरे पे कुछ कृपा दृष्टि डालें, और भगवान ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो श्लोक है इसमें इस लीला की सतव्रत मुनि कुछ याद कर रहे हैं, तो वो हमने आज चर्चा की, और जो इसका नेक्स्ट श्लोक है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज जो आगे जो ब्रजमंडल की कथा चल रही है उसमें आगे की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अखिलेश दासी जी से सुनते हैं। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम अज्ञान देवराम दश्य ज्ञान जल सदाया चक्षुम तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य दीक्षा गुरु आचार्य शिला भक्ति विधान शीतल महाराज जी, समस्त पूर्वज शिला एसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद, मेरे मेंटर सुंदर गोपाल प्रभु जी और मेरे शिक्षा गुरु विजय विदास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। तो आज अभी इसमें जैसे बता रहे थे कि जब बच्चे बता रहे हैं कि वृक्ष कृष्णा ने गिराया है तब भी कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा। ब्रज में क्या होता है, भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति होती है हमेशा पीछे रहती है, अगर भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते भी हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन द्वारका और मथुरा के जो भक्त हैं, जब भगवान उनका भी संबंध तो है भगवान के साथ, लेकिन वहाँ जब ऐश्वर्य दिखाते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि अर्जुन के सामने जब भगवान ने अपना विष्णु रूप दिखाया तो अब अर्जुन क्या बोलता है, वो मैं आपको अपना दोस्त मान के कुछ भी आपके साथ बोलता था, कैसे भी रिएक्ट करता था, तो आप मुझे हाँ हे माधव हे सखी थी वो
पर, और ऐसे करके मैंने आपको अलग अलग उससे संबोधन किया। मैं जान ही नहीं पाया कि उनका भगवान है, तो आप मुझे उसके लिए माफ़ करें। ऐसे कुंती महारानी के, कुंती महारानी जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे हैं, तो कुंती महारानी उनकी स्तुति कर रही है। तो कुंती महारानी बोली है, नमस्ते पुरुषम तादम ईश्वर प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्वय अवस्थिता, कि उनको नमस्कार कर रही है। नमस्ते पुरुषम त्वादम, और क्या बोल रही है कि आप आदि पुरुष हो, आपसे पहले कोई नहीं था। तो कुंती महारानी उनको नमस्कार कर रही है। तो भगवान बोलते हैं कि आप तो मेरी माँ हो, कुंती महारानी वो है ना, माँ का अदर वो सेम है कि आप तो मेरी माँ और आप मुझे नमस्कार कर रही हो। तो कुंती महारानी कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप भगवान हो। तो आगे वो और स्थिति में करती है उनकी। तो वहाँ पे जो द्वारका के और जो मथुरा के जो ये भक्त हैं, ये जब ऐश्वर्य भगवान का सामने आता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो ब्रज के भक्त हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आज बरसाने का हम आगे का पढ़ेंगे, देखेंगे प्रेम सरोवर और संकेत वन। उससे पहले राधा नाम, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास, सब द्वार को छोड़ कर मैं आई तेरे द्वार, श्री कृष्ण की लाडली नेक मेरी ओर निहार, राधा हरे कृष्ण हरे
बरसाना से नंदगांव जाते हैं तो ये बीच में पड़ता है प्रेम सरोवर। तो जैसे कल भी हमने देखा था ना विलासगढ़ में राधा रानी और कृष्ण की क्या खेलते थे, वो क्रीड़ा स्थली है, वैसे ही जो प्रेम सरोवर है यहाँ पे भी युगल की क्या है क्रीड़ाएँ हुई हैं। तो यहाँ की एक कथा है, यहाँ ये जो स्थल है यहाँ पे राधा रानी का भगवान के लिए जो विशिष्ट प्रेम है वो प्रकट होता है। मतलब वो इतना विशिष्ट प्रेम है कि वैसा प्रेम और किसी का नहीं है, ललिता विशाखा सखी का भी नहीं है, यहाँ पे जो राधा रानी का प्रेम प्रकट होता है। तो इसका एक कथा है, प्रभु जी सुना रहे थे ये कि एक बार राधा रानी और कृष्ण, राधा रानी कृष्ण की गोदी में बैठी हुई है और सारी सखियाँ हैं वहाँ पे, गोप हैं सारे, और वो विलास कर रहे हैं वहाँ पे, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं वहाँ पे, बातें कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, तो ये सब चल रहा है वहाँ पे। एकदम से क्या होता है, एक भंवरा आता है वहाँ पे, और भंवरा आता है तो राधा रानी उसको हाथ से भगाने की कोशिश करती हैं, हाथ से उसको हटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कई बार होता है ना, एक कोई भी कीड़ा एक आता है बार बार आता रहता है, तो वो बार बार वहीं आता है। क्यों आ रहा है वो बार बार वहीं? क्योंकि राधा रानी का जो मुख है उसको कमल के समान है, तो इसलिए वो बार बार वहीं आ रहा है। तो फिर राधा रानी अपने मुख को अपने हाथों से ढकने की कोशिश करती हैं, तो बार बार जब वो कर रही हैं तो मधुमंगल दूर से देख रहे हैं, मधुर मंगल को लग रहा है कि राधा रानी बहुत परेशान हो रही हैं, तो वो डंडा लेके आते हैं और भंवरे को वहाँ से हटाते हैं और बहुत दूर छोड़ के आ जाते हैं भंवरे को। अब बहुत दूर छोड़ के आते हैं तो बड़े खुश होके आते हैं वापस ना। अब भंवरे का एक नाम है मधुसूदन और भगवान का नाम भी क्या है मधुसूदन। अब बड़े खुश होके आते हैं और राधा रानी को कहते हैं कि मैं मधुसूदन को बहुत दूर छोड़ आया, इतना दूर छोड़ आया कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। राधा रानी भगवान के साथ बैठी हैं, लेकिन राधा रानी जैसे ही सुनती हैं कि मधुसूदन को मैं बहुत दूर छोड़ के आ गया, उनको लगता है कृष्ण बहुत दूर चले गए और उनको विप्रलम्ब भाव हो जाता है, उनको विरह भाव हो जाता है, और विरह भाव होते ही उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं और वो अचेत हो जाती हैं धीरे धीरे। और कृष्ण वहीं पर हैं, वो उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहीं पर हूँ, लेकिन उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, उनको लग रहा है कि भगवान यहाँ से गए और वो अचेत हो जाती हैं। और ये देख के भगवान भी धीरे धीरे व्याकुल होते हैं, भगवान भी अचेत हो जाते हैं। उन दोनों के अश्रुओं से, उनके स्वेद से वहाँ ये सरोवर बना है, ये कौन सा प्रेम सरोवर जो है वो उसमें क्या है, भगवान के अश्रु, राधा रानी के अश्रु। और जब सखियाँ ये सब देखती हैं तो सखियाँ भी अचेतन हो जाती हैं वहाँ पे। अब जब अचेतन हो जाते हैं सब, तो जो भगवान का सुख है, राधा रानी की जो सारी है, वो वहाँ पे फिर सुख जो होता है वो जोर जोर से नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सारी राधा रानी की सारी है और सुख दोनों ही, वो कृष्ण का नाम लेते हैं, वो राधा रानी का नाम लेती है। तो जब ये राधा कृष्ण ये संवेद स्वर जब सखियों के कान में जाता है तो उनको धीरे धीरे उनका चेतना आता है। और जब राधा रानी के कान में कृष्ण का स्वर जाता है और कृष्ण के कान में जब राधा रानी का स्वर जाता है तो उनकी चेतना धीरे धीरे वापस आती है। अब उनकी चेतना जब वापस आती है तो सब बहुत आनंदित हो जाते हैं वहाँ पे। अब लेकिन भगवान यहाँ पे सोचते हैं राधा रानी के भाव के बारे में कि इनका प्रेम जो है वो कितना ऊँचा है, कितना विशिष्ट है इनका प्रेम, कि मैं जब इनके साथ हूँ तो भी इनको विप्रलम्ब भाव है, तो भी इनको विरह भाव है, और जब मैं इनसे दूर होता हूँ तो ये मेरा स्मरण हर चीज़ को देख के करती हैं। जो भी श्याम वर्ण है, जैसे तमाल वृक्ष कैसा है, श्याम वर्ण है, तमाल वृक्ष को देख के मेरा स्मरण करती हैं और तमाल वृक्ष को आलिंगन करती हैं, और इनका जो विरह का जो भाव है उसको थोड़ी देर के लिए शमित हो जाता है, थोड़ा धीरे हो जाता है उनको। तो भगवान सोच रहे हैं कि जब मैं इनके साथ हूँ, जब मिलन की स्थिति है, तो इनको कौन सा भाव हो रहा है, विप्रलम्ब भाव हो रहा है, और जब विप्रलम्ब भाव है मतलब जो विरह की स्थिति है, तब इनको
मिलन का भाव है उनके अंदर। मतलब मैं जब इनके साथ हूँ तो मैं इनको समझा नहीं पा रहा, और ये इतना ज़्यादा मतलब इनका अश्रुपात हो रहा है, इतना ये विवल हो रही हैं। तो भगवान सोचते हैं कि यदि मैं इनसे दूर होता हूँ तो मिलन के थोड़ा सा इनके अंदर जो मिलन का भाव आता है उससे इनका दुख थोड़ा सा शमित होता है, तो अगर मैं इनसे दूर रहूँ तो इनको थोड़ा शांति मिलेगी उससे। तो यहाँ ये इसमें मैं पढ़ रही थी, इसमें दे रखा है कि एक पहला सोपान था जहाँ से भगवान का मथुरा या द्वारका जाने का जो आगे का कथा था वो उसका मतलब ये प्रथम सोपान है। तो इस तरह से राधा रानी का प्रेम का बताया कि राधा रानी का प्रेम जो है वो कितना ऊंचा है। इसीलिए राधा रानी कौन है, भगवान की प्रेम गुरु है, उन्होंने भगवान को प्रेम करना सिखाया है। तो जब भगवान कहते हैं ना, भगवान तो ब्रज को छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं रखते, है वो पाद एकम न गच्छति ब्रज वृंदावन सज्जयम पाद एकम न गच्छति। भगवान वृंदावन को छोड़ के एक पग भी आगे नहीं जाते हैं। लेकिन जब हम ऐसे लीला में देखते हैं, जब भगवान गए तो उस टाइम सब लोग बहुत विरह में हैं, गोपियाँ राधा रानी सब विरह में हैं, लेकिन उस विरह में भी उनको आनंद है। जब एक बार नारद मुनि जाते हैं तो देखते हैं गोपी क्या कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, मतलब योग कर रही है गोपी। तो नारद जी सुन देख के मतलब उनको खुशी आती है कि गोपी तुम किसका ध्यान कर रही हो, तुम किसके ध्यान में बैठी हो, मतलब तुम, क्योंकि जब सारे जो ऋषि मुनि हैं, सारे जो भगवान को स्मरण करना चाहते हैं, ध्यान करते हैं, जब ध्यान करके भगवान को अपने ध्यान में लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे गोपी ध्यान कर रही है। तो अब वो नारद जी पूछते हैं तुम किसका ध्यान कर रही हो, तो गोपी कहती है मैं ध्यान उसका स्मरण करने के लिए नहीं कर रही, मैं ध्यान क्यों कर रही हूँ, उसे भूलने के लिए ध्यान कर रही हूँ। तो उनका प्रेम जो है वो बहुत ऊँचा है, बहुत ऊँचे स्तर का उनका प्रेम है, और उसमें सबसे ऊँचा प्रेम जो है वो राधा रानी का। इतना तो भगवान इसलिए कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता, तुम्हारे जो प्रेम का ऋण है उसको मैं नहीं चुका सकता। इतना ऊंचा भाव है इनका कि एक बार भगवान लीला करते हैं ये दिखाने के लिए कि गोपियों का राधा रानी का प्रेम कितना उच्च है। द्वारिका में भगवान है और भगवान एक लीला कर रहे हैं कि भगवान बीमार हो गए, बीमार हो गए तो वहाँ पे अभी भगवान कैसे भी ठीक नहीं हो रहे, तो वहाँ पे जो वैद्य आता है वो बोलता है कि अगर कोई इनको अपनी चरण धूलि दे देगा तो ये ठीक हो जाएंगे। अब द्वारका में सबसे पूछा, सारी रानियों से पूछा, सबको पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया चरण धूलि देने के लिए। क्यों? कि हम इनको चरण धूलि दे के हमें नरक में थोड़ा ना जाना है। अब जब कहीं कोई नहीं मिला तो भगवान ने बोला एक काम करो, अब एक लास्ट एक होप बची है कि आप ब्रज में जाओ और वहाँ पे जो गोपियाँ हैं उनसे पूछो जाके। तो जब वहाँ पे गए और वहाँ पे पूछा गोपियों को, तो गोपियों को जैसे ही पता चला कि भगवान जो है वो बीमार हैं तो सब बहुत विवल हो गए, और उनको बोला कि चरण धूलि चाहिए, तो सब तैयार हो गई कि आप हमारी चरण धूलि लेके जाओ, हम नरक में जाने को तैयार हैं कितने भी जन्मों तक, लेकिन भगवान को कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से भगवान ने वहाँ प्रकट किया कि उनका प्रेम जो है वो कितना ऊंचा है। तो ये जो प्रेम अश्रु है उनसे ये सरोवर बना हुआ है। तो इसमें यदि हम प्रार्थना करें कि हम इसमें जो भी स्नान करता है उसको भगवान का प्रेम, विवल का प्रेम प्राप्त होता है। तो हम ये प्रार्थना करें कि हमें यहाँ पे मतलब इसको प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि हमें भी युगल के प्रति प्रेम हमारे अंदर डेवलप हो। फिर एक जगह है, ये भी वहीं पे है, जब हम नंदगांव से बरसाना जाते हैं तो संकेत, यहाँ अपन गए थे संकेत, हाँ गए थे ना अपन संकेत। तो यहाँ पे ये क्या है, भगवान का और राधा रानी का मिलन स्थल है। कब? हाँ हाँ, और मतलब राधा रानी जावट से आती हैं और भगवान जो होते हैं वो नंदगांव से आते हैं, और दोनों यहाँ पे आके मिलते हैं। हाँ, बीच में है वो जगह, तो दोनों यहाँ पे आके मिलते हैं। अब मिलन की जो सारी व्यवस्था है वो कौन करता है, वृंदा देवी है, वीरा देवी है, सुबल है, ये उनके मिलने की व्यवस्था करते हैं। वहाँ पे वृंदा देवी सुंदर कुंज सजाती है, पुष्प चयन करती है सुंदर सुंदर, वहाँ पे बहुत सुंदर, अभी अपन जाते हैं तो प्राकृत आंखों से अपने को दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत सुंदर स्थान है वहाँ पे, सुंदर सुंदर कदम के वृक्ष हैं, पुष्प हैं सुंदर सुंदर, कोयल मैना गाते रहते हैं वहाँ पे, और मोर नृत्य करते हैं वहाँ पे, शुक और सारी हैं वो गाते रहते हैं वहाँ पे। तो जब ये देखते हैं कि अभी मिलने का बिल्कुल सही है, अभी कोई नहीं है ना, तो जटिला पुटिला है कोई नहीं है, तो वृंदा देवी इस तरह का अरेंजमेंट करती है, संकेत करती है दोनों को, राधा रानी को भी और कृष्ण को भी। संकेत मतलब इशारा कि जैसे आ जाए, इसलिए इसका नाम संकेत है। तो दोनों वहाँ पे आते हैं और दोनों की मिलन लीला होती है वहाँ पे, और वहाँ पे
मतलब उसके बाद क्या होता है, जैसे शयन लीला भी होती है उनकी, और फिर निशांत लीला, मतलब जब भोर में जब जगना होता है तो वहाँ पे ये शुभ सारी हैं ये इनको जगाते हैं। और अगर कभी दिख जाए कि जटिला कुटिला कोई आ रहा है तो वो उस तरह से उनको बताते हैं कि अब जल्दी से निद्रा छोड़ो और अपने भाव में प्रवेश करो। तो इस तरह की लीलाएं होती हैं यहाँ पे। और इनका बड़ा सुंदर वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी का एक ग्रंथ है गोविंद लीलामृत, इसमें उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है इस लीला का। और शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी किया है कृष्ण भावनामृत में। और क्या था यहाँ पे संकेत में, भजन कुटी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटी है यहाँ पे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हमारे जो षट गोस्वामी हैं उनमें से एक हैं। अनंग मंजरी है वैसे भगवान की लीला में, ये अनंग मंजरी है। और इन्होंने किसको प्रकट किया था, राधा रमन जी को, राधा रमन जी को उन्होंने प्रकट किया था। कैसे किया था कि गंडकी नदी है नेपाल में, जब ये स्नान कर रहे थे उसमें तो उनके हाथ में शिला आ गई, तो वो शिला जो है वो शालिग्राम शिला ही है उनका। शालिग्राम शिला को हमेशा अपने साथ रखते थे और हमेशा उसका पूजा करते थे, और रात में वृक्ष के नीचे जिसके हम नीचे रहते थे वहाँ उसको ऊपर टांग देते उसको। हाँ राधा रमन जी तो, हाँ ये तो बोला था आपने, मैंने राधा रमन बोला। तो एक बार इनकी इच्छा हुई कि ना जैसे सारे राधा गोविंद देव जी हैं, राधा दामोदर जी हैं, राधा गोपीनाथ जी हैं, सबका इतना भव्य श्रृंगार, सबको मतलब अच्छा सब पोशाक पहनते हैं, फिर अच्छा सब श्रृंगार करते हैं, तो उनका बड़ा मन हुआ कि मेरे पास भी ऐसे ठाकुर होते तो मैं भी उनका श्रृंगार करता, मैं भी उनकी इस तरह से सेवा करता। फिर ये ऐसा इनके मन में चल रहा था रात को, और उन्होंने वो टांग दिया था ऊपर पेड़ पे। अब जब सुबह जब ये उठे तो उन्होंने देखा तो उसमें बहुत सुंदर राधा रमन, वो शिला किसमें परिवर्तित हो गई, राधा रमन। तो जो अभी वृंदावन में मंदिर है राधा रमन जी का, वो वही है उन्हीं के, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के राधा रमन जी हैं। और उसने सुंदर विग्रह है, मतलब इतने छोटे विग्रह में इतना क्लीन क्लियरिटी नहीं हो सकती, इतना सुंदर नहीं हो, क्योंकि खुद प्रकट हुए हैं वो बहुत सुंदर है। उनका फेस जो है वो गोविंद देव जी जैसा है, वक्षस्थल जो है उनका गोपीनाथ जी के जैसा है, और उनके जो चरण है वो मदन मोहन जी के जैसे हैं। तो बहुत सुंदर विग्रह है। और मतलब उनके जैसे गौर से हम देखेंगे तो उनके दांत भी दिखाई देते हैं, मैं उसको जूम करके देख भी लेती हूँ, वैसे दिखाई नहीं देते अपन वैसे देखते हैं तो ये छोटे हैं और दूर भी हैं, वो ऐसे जूम करके देखो तो वो दिखाई देते, बहुत सुंदर विग्रह हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने इनको प्रकट किया था, तो ये यहाँ पे गोपाल गोस्वामी जी यहाँ पे भजन करते थे, इनकी भजन कुटी यहाँ पे है। तो ये स्थान आज मैंने ये इतना ही किया था, आगे की चर्चा फिर कल करेंगे। हरि बोल।